तो बड़ पानी है जो चली है माँ तेरी सो, वो तो बड़ पानी है जो चली है। काला घगरा सियाई के ओ सियाई के, वो तो बड़ पानी है जो चली है माँ तेरी सो, वो तो बड़ पानी है जो चली है। मैं एक रियलिटी शो में गई द वॉइस इंडिया सीजन 2 और अगेन आई वॉज रिप्रेजेंटिंग हिमाचल और मैंने एक रेट्रो गाने से शुरुआत की और मैंने सोचा नहीं था कि उस गाने के वर्जन को जो मैंने अपने स्टाइल में गाया था इतना प्यार मिलेगा और मैं चाहूँगी कि मैं एक लाइन आपके लिए यहाँ पे गा दूँ। वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हर जगह आप जहाँ भी पहुँचते हो वो आपको एक सफ़र तय करना पड़ता है, तब उस अचीवमेंट की आपको अहमियत पता चलती है। और मुझे इतने साल लगे क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही थी, मैं भी उस काबिल बन रही थी कि मैं अपने होम स्टेट में परफॉर्म करूँ और मेरे होम स्टेट को गर्व हो मुझ पर। मैं तो बहुत प्राउड हूँ अपने होम स्टेट पर, बट मेरे होम स्टेट को भी मुझ पर उतना ही गर्व हो। उसके लिए मैं मेहनत कर रही थी और शायद इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट अब मैं कोई फेस्टिवल नहीं छोड़ने वाली। क्या आपके कोई हिट गाने जो अभी बॉलीवुड में? मेरा मोहित चौहान जी के साथ एक गाना था जो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन एक मीका जी के साथ गाना है जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। गले में फंदा पै गया, इश्क दा बैंड बज गया, ओ यारा पंगा पै गया, इश्क दा बैंड बज गया, ओए। तो कुछ ऐसे है वो खतरनाक कहीं पे भी अपने आप। वही जानना चाहते हैं कैसे गए आप स्कूल टाइम से गाते आए कि उसके बाद आपने शुरू किया? मेरी ग्रैंड मदर बहुत खूबसूरत आवाज थी, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थी और मेरी फैमिली में से मैं पहली प्रोफेशनल हूँ जो म्यूज़िकली कुछ कर रही हूँ। और शुरुआत ऐसी थी कि स्कूल में गाया करती थी, फिर मैं कॉलेज गई, वहाँ पे मैंने अपने यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ जोन में आई वन गोल्ड मेडल, देन आई वेंट ऑन टू नेशनल्स, 200 यूनिवर्सिटीज़ में मैं फर्स्ट आई, एंड कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला दैट आई कैन बी अ प्रोफेशनल। क्योंकि आपको तो पता है मैं पंजाब में पढ़ी थी, पंजाब में तो इतने सारे टैलेंटेड सिंगर्स वहाँ से निकले हैं, तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ था, बट आई थिंक आई मैनेज टू सिक्योर फर्स्ट पोजिशन। एंड वहाँ से मुझे जो लोकल कंपोजर्स थे उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया, और वहाँ पर मेरी जो स्टूडियो के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि मैं ये प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकती हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने अपने आप को काफ़ी टेस्ट के द्वारा मैंने अपने आप को मैं गुजरी हूँ, ताकि मैं यू नो इसको प्रोफेशनल परस्यू कर पाऊँ। इन जनरल इट्स डिफ़िकल्ट, हम जो एक आम आदमी रिजेक्शंस साल भर में या दो तीन साल में झेलता होगा वो हम एक महीने में झेलते हैं। यू नो वी गिव अ लॉट ऑफ ऑडिशंस और कितना दस गाने गाएंगे तब जाके कोई एक गाना निकल के आता है, और वो भी चले ना चले आपकी किस्मत में। तो स्ट्रगल तो है, इट इज़ कम्पेटिटिव, हाईली कम्पेटिटिव। और ऑनेस्टली जब मैं आर्टिस्ट की बात करती हूँ तो हिमाचली हो चाहे कहीं के भी हो, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है दिल से। और एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, बट इट्स नॉट वेरी ईजी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मैं जहाँ पर भी गई मुझे लोगों ने सराहा है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट बहुत लिमिटेड मिली है। और ये मुझे लगता है कि मेरे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की वजह से भी है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर मेरी ट्रेनिंग
मेरी बचपन से ही शुरू हुई, नॉट म्यूजिकल बट हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, अपने आप को कैसे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है, वो मुझे बचपन से ही वो ट्रेनिंग होती रही। मैंने अपने फादर को देखा है, अपनी मॉम को देखा है, तो वहाँ से जब आप उस तरीके की ट्रेनिंग करके जब आप आते हो और आप एक प्रोफेशनल सराउंडिंग में उतरते हो तो आपको पता होता है आपको कैसे कंडक्ट करना है। म्यूज़िक बीइंग एन आर्टिस्ट इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग गुड म्यूज़िक, उसके पीछे काफ़ी कुछ होता है, अपने आप को कैसे मार्केट करना है, अपने आप को कैसे कैरी करना है। एंड आई थिंक वो जब सब चीज़ें एक साथ मिलती हैं तब एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। बीइंग अ हिमाचली आर्टिस्ट आई फील हिमाचल को अभी भी कई चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हमें वो रिसोर्सेज अगर अच्छे तरीके से मिलें जहाँ पे हमारी अच्छी पर्सनालिटी ट्रेनिंग हो, हमारे म्यूज़िकल ट्रेनिंग हो, हमारे इनफ इंस्टीट्यूशंस हो हमारे स्टेट में कि लोग ट्रेनिंग ले पाएँ और अपने आप को और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएँ इस कॉम्पिटिशन में, तो आई थिंक वी कैन लीव एवरी वन बिहाइंड। जी जाते